जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए सज्जनों, आज मैं असल आस्था के माध्यम से माताओं के लिए एक बहुत सुंदर घरेलू उपाय लेके आया हूं। घर में सुख समृद्धि कैसे होगी, घर में सुख शांति कैसे आवेगी, ऐसे कौन से हम नियम करें, उपाय करें जो हमारे घर में शांति का वातावरण रहे। अगर घर में शांति रहेगी तो सुख समृद्धि, लक्ष्मी आदि, व्यापार आदि सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए घर में यदि माताएं दो तीन नियम है यदि करती हैं, इन नियमों से माताओं के करने से घर में सुख शांति और लक्ष्मी का आवागमन होता रहता है। तो आइए, घर में कैसे हम शांति बनाएं, सुख समृद्धि कैसे होगी घर में, इसके बारे में हम जानते हैं। और इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, ये उपाय माताओं को करना है। घर में सुख शांति के लिए, घर में लक्ष्मी के आगमन के लिए, घर का वातावरण ठीक रहे, इसलिए देवियां ध्यान दें, माताओं का ये कुछ उपाय करना है। देवियां ये उपाय करके अपने घर में सुख समृद्धि, सुख शांति प्राप्त कर सकती हैं। तो सज्जनों, देवियां ध्यान दीजिए, सबसे पहले उठ करके आपको क्या करना है वो उपाय मैं आपको बता रही हूं। और आप ये उपाय यदि करते रहेंगे, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में नित्य से यदि गलती से पाप हो जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। नित्य पाप जो होते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हमसे पाप होते रहते हैं, और नित्य अनजान में जो पाप हो जाते हैं वो निवारण हो जाते हैं प्रतिदिन। तो सबसे पहले माताएं क्या करें ये आप जानने के लिए असल आस्था को देखते रहिए। और सजने, जिस घर में ये चार काम नित्य होते हैं वो घर में सुख शांति हमेशा रहेगी। और हमें चाहिए क्या, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और जहां शांति है वहां सब कुछ प्राप्त होगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुख और शांति है वहां संपत्ति क्या, सब कुछ आनंद ही रहेगा। इसलिए माताएं भी सुख शांति चाहते हैं, घर को जो है मंदिर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको उपाय बताता हूं। आप इस वीडियो को असल आस्था के माध्यम से देखते रहिए। लेकिन आपसे एक निवेदन और कर दूं, इस वीडियो को देख करके आगे भी शेयर करें, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपको बताने से आप दूसरों को बताएंगे तो सबका कल्याण होगा। और हम ये असल आस्था के माध्यम से जो आपको बता रहे हैं सबके कल्याण के लिए बता रहे हैं, निस्वार्थ, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो माताओं को ये चार काम करना चाहिए। सबसे पहले माताएं जब जगती हैं तो चाय मत बनाया करो। आजकल मैं देखता हूं कि सबसे पहले उठते ही जाकर के रसोई में जाती हूँ, चाय बनाती हूँ। ऐसा नहीं प्यारे, सबसे पहले घर में बाहर झाड़ू लगाना चाहिए। सबसे पहला नियम है घर में जो देवियां जगती हैं, जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, जो भी है, उनको सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए। और झाड़ू लगा करके दूसरा नियम उनको ये करना है कि दरवाजे के बाहर, पहले आपने देखा होगा हमारी माताएं क्या करती थी कि गौ के गोबर से आंगन को लीपती थी। आजकल तो सबको लोग पत्थर लगे हुए हैं, टाइल लगी हुई है, फर्श बने हुए हैं, तो आप लोग लीप तो सकते नहीं, गौ का गोबर कहाँ मिलेगा। क्यों, आजकल लोग गौ पालते नहीं है, कुत्ता पालने को बड़ा शौक है।
तो आपको क्या करना है कि झाड़ू लगाने के बाद दूसरा आपको ये करना है कि एक बाल्टी पानी लेकर के अपने दरवाजे की पैड़ियों को धुलना है, मतलब डालना है पानी। दूसरा आप करना, इसके बाद आप स्नान आदि करके जो है फिर चाय बनाए। और यदि आप पूजा करते हैं तो गोपाल की पूजा करके, आरती करके, पूजा जो भी मंत्र जपते हैं पूजा पाठ करके फिर चाय बनाइए। और जब आप भोजन बनाते हैं तो देवियों से मेरा निवेदन है कि पहली रोटी आप जो है गौ ग्रास गौ माता के लिए निकालिए। आप देखना उस घर में अन्नपूर्णा का निवास हो जाएगा, माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसेगी। और जहां अन्नपूर्णा की कृपा होती है वहां धन समृद्धि जो है हमेशा संपदा बढ़ती रहती है। इसलिए सज्जनों, देवियों का पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए। जो प्रतिदिन काले कुत्ते को जो है दूध पिलाना, कुत्ता कोई भी हो, पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए, और हो सके तो दो रोटी तो निकालना जरूरी ही जरूरी है। और इन रोटी जो है निकाल करके इनको देना चाहिए। यदि ऐसा जिस घर में नित्य गौ की रोटी निकलती है, कुत्ते की रोटी निकलती है, कौवे की रोटी निकलती है, जहां नित्य ये यज्ञ होते हैं प्यारे, वहां लक्ष्मी अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है। आप उस घर में सुख समृद्धि हमेशा रहती है। इसलिए देवियों का घर में ये चार उपाय जरूर करना चाहिए। और जिस घर में ऐसा नहीं होता है वहां एक तो कष्ट बने रहते हैं, कलेश बना रहता है। इसलिए देवियां घर को वैकुंठ भी बना सकती हैं और घर को नरक भी बना सकती हैं। यदि आप सुख शांति प्रदान करते हैं तो जो नियम हमने बताए हैं उन नियमों को आप कीजिए और आप फिर देखिए घर में कैसे आनंद होता है, कैसे सुख संपदा बढ़ती है। किस किस नियमों का आप कीजिए, आपके घर में जरूर अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए असल आस्था।